तीसरा सैफी बुरहानी प्रीमियर लीग टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब निजी ऑडिटोरियम में मुनक्किद हुई। इस टूर्नामेंट में 10 टीमें शिरकत कर रही हैं, जिन्हें दो ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। तकरीब में तमाम टीमों का तारुफ कराया गया। तकरीब की खास बात बुरहानी कम्युनिटी की स्पेशल बच्चों में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली उम्मे सलमा को भी मधु किया गया था। उम्मे सलमा ने लॉस एंजलिस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए बैडमिंटन में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया था। इस मौके पे उम्मे सलमा और उनके वालिद और खिलाड़ियों ने जोश न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया, बहुत खुशी हो रही है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तमाम बच्चे स्पोर्ट्स में हैं और आज जो ये टूर्नामेंट हो रहा है बोरा कम्युनिटी सैफी बुरहानी ऑल कराची, तो इसमें एक मेरी अपनी अपने नाम से टीम भी है बाबजी प्रॉपर्टी के नाम से, तो ये टीम मेरे साथ खड़ी हुई है, ये मेरे टीम मेम्बर्स हैं और मेरा बेटा खुद बहुत अच्छा स्पोर्ट्स मैन है जो हमारी डेविड वाली दूसरी टीम की तरफ से खेल रहा है, और एक छोटा बेटा भी स्पोर्ट्समैन है जो स्कूल की टीम में भी खेलता है, और मेरी बेटी का तो अल्हम्दुलिल्लाह पता है कि पाकिस्तान के लिए उसने प्राइड किया, स्पेशल चाइल्ड होने के बावजूद उसने अपनी जो गोड गिफ्ट एटलीस्ट लाई थी उसके बिल पे पाकिस्तान में नेशनल चैम्पियन सेलेक्ट होने के बाद 2014 में ओलंपिक के लिए सिलेक्ट हुई और लॉस एंजलिस 180 ममालिक में जाके इसने पाकिस्तान के लिए सिंगल और मिक्स डबल में दो गोल्ड मेडल हासिल किए, बहुत सी यूरोपियन और इंडियन और एशियन कंट्री को हराने के बाद अप्रिशिएटिव ये आज मैडम रौनक लाखानी की 25 साल की जीतों की वजह एक प्लेटफॉर्म स्पेशल ओलंपिक जो स्कूल लेवल से बच्चे जो जब जिनमें बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स सलाहित होती है और पाकिस्तान में जो स्पेशल बच्चों में बेस्ट होते हैं उनको चूज़ करके वो स्पेशल ट्रेनिंग दे के कैंप्स अरेंज करके कॉन्फिडेंस बिल्ड करके इंटरनेशनल मुकाबलों में ले जाते हैं, और जैसा कि अभी आपको पता है विंटर गेम जो ऑस्ट्रेलिया में उसमें भी पाकिस्तान ओलंपिक में बच्चों ने 3 गोल्ड मेडल हासिल किए, तो अलहमदिल्ला ये प्लेटफॉर्म मैडम रौनक लाखानी जो मुंतखब किया जिस हम इसके बहुत खुश होकर और स्पेशल ओलंपिक के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट के और मजीद सपोर्ट होना चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ शहजादा मोइनुद्दीन, जोश न्यूज़ कराची।